हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। एंड आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में एंड इससे बचा कैसे जा सकता है, इसके प्रिकॉशंस क्या क्या हैं एंड किस तरीके से घर बैठे हुए ही, ऑफकोर्स मतलब इट्स अ वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस, बट इससे कैसे फाइट करेंगे हम ना मेंटल लेवल को स्ट्रॉन्ग करके। पहली चीज़ हम बात करते हैं कि कोरोना वायरस का अभी तक मार्केट में कोई सॉल्यूशन नहीं आ पाया है, लेकिन इसका सॉल्यूशन हम लोगों के खुद के पास है कि हम ज़्यादा लोगों से कनेक्ट ना करें। मैं काफ़ी कुछ देख रही थी, बीच में जिम बंद हुआ था, सो मैं मॉर्निंग में साइकिलिंग के लिए निकली। मेरे इंस्टाग्राम पे इफ़ यू गाइस फॉलो मी तो वहाँ पे मैं स्टोरीज डालती हूँ। यार स्टेडियम में ही उस दिन मुझे 300 से 400 बंदा दिख गया, तो जिम बंद करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगले दिन स्टेडियम ही जो है मेरे फरीदाबाद का, उसको ही बंद कर दिया। उसके बाद लोग मार्केट में इकट्ठा होकर वर्कआउट करें, अरे घर पर कर लो यार, उसमें क्या हो गया, घर पर वर्कआउट कर लो। सेकेंड प्रॉब्लम जो आई है यहाँ पे मैंने देखा है, लोग सुन के राजी नहीं है। ग्रॉसरी के लिए बल्क में सामान उठा के लोग लेके गए हैं। अगर आप लोग बल्क में सामान उठा रहे हो, सामने वाला बंदे के पास अगर एक भी आटे की थैली नहीं है, आप लोग 10 आटा की थैली लेके जा रहे हैं, सो गाइस कुछ तो छोड़ो सामने वाले के लिए, इतना उठाओ ना कि आपका भी पूरा हो जाए और सामने वाले के लिए भी पूरा हो जाए। मार्केट में तहलका मच गया था लास्ट के दो दिन, तो इट्स लाइक हेल्थ सिचुएशन। थर्ड, मैं यहाँ पे बात करती हूँ प्रिकॉशंस के बारे में। हाथ सबसे पहले प्रिकॉशंस है ये हाथ। अब इनमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ इस हाथ में वायरस है और मैंने इसको वॉश नहीं करा है, अगर मैंने यहाँ लगाया यहाँ वायरस है, यहाँ लगाया यहाँ वायरस आ गया, यहाँ लगाया यहाँ वायरस आ गया, यहाँ लगाया अगेन वायरस आ गया। सो गाइज मेक श्योर आपके हाथ जो है बहुत अच्छे से प्रॉपरली वॉश होने चाहिए, घंटे में 3-4 बार बहुत ही अच्छे से। एंड नेक्स्ट इज, अगर आप कहीं पे भी इमरजेंसी में अगर आपको बाहर जाना पड़ रहा है, गाइस मेक श्योर आपके हाथ आपके मुंह तक ना आए, आपके हाथ आपके फेस तक बिल्कुल ना आए अगर आप बाहर किसी इमरजेंसी में हो। और घर आते ही वॉश योर हैंड्स अच्छे से, रिमूव योर ऑल दी क्लोथ्स, कोशिश करो नहा लो, अच्छे से नहा लो डिटॉल डाल के, एंड उसके बाद सिट डाउन, बैठना भी मत घर आने के बाद कहीं पे भी ना, जब तक आपके हाथ अच्छे से वॉश ना हो। और माइंड भी आपके कपड़ों पे हो, कोई किसी को आप हक कर रहे हो, किसी बच्चे को उठा रहे हो, आपके कपड़ों से उस बच्चे को हो जाए। सो गाइज मेक श्योर कि आप बहुत सेफली अपने आप को लेके चलो। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करती हूँ रेफ्रिजरेटर की। जहाँ तक मुझे समझ आया है इस चीज़ के बारे में, मैंने बहुत पढ़ाई करी, देखी, रिसर्च करी, वीडियोज देखी, काफ़ी चीज़ें समझ आई हैं। ये एक गले से स्टार्ट होता है, टॉन्सिल से, अचार चटनी सिट्रस फ्रूट्स, आपका फ्रिज का लगा हुआ कोई भी सामान, इनफैक्ट सब्जियाँ भी जो हैं वो फ्रिज के बाहर रखो, उसके बाद उसको बनाओ। गाइज मेक श्योर आप फ्रिज की लगी हुई कोई भी चीज़ यूज़ मत कीजिएगा। कर्ड पनीर आप ये मत सोचिए वो बंद तो गए हैं, मतलब पक तो गया है, गर्माहट तो आ गई है, तो उसमें से वो चीज़ वायरस निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सो मेक श्योर आप प्लीज़ फ्रिज की लगी हुई कोई चीज़ मत यूज़ कीजिएगा, अपने आप को कोल्ड से बचाना है, हमारे को टॉन्सिल्स नहीं होने चाहिए, इस चीज़ का आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पर बात करती हूँ एक और चीज़ जो मेरे दिमाग में आ रही थी, पानी। पानी की बॉटल्स को अगर आप मुंह लगा के पीते हो, बहुत सारे लोगों की आदत होती है, अगर आप मुंह डायरेक्टली लगा के पीते हो, उसको आप उस आदत को सुधारो, मेक श्योर ग्लासेस में पानी पियो या आ करके पानी पियो अपनी बॉटल से। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करूँगी प्रिकॉशंस की। यहाँ पे बात आती है चिकन एंड एग्स की। मैं कल ही मार्केट में गई थी, मेरे पास ग्रॉसरी ख़त्म हो गई थी, मैं ग्रॉसरी लेने गई थी। यहाँ पे फरीदाबाद में शॉप है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, पता नहीं कुछ पंगे ना हो जाए, 15 सेक्टर में ही गाइस आराम से चिकन बिक रहा है एंड खाने वाले लोग खा भी रहे हैं। आप लोग पागल हो गए हो क्या? चिकन इस टाइम इट्स लाइक हेल्थ रिस्की, लोग नॉनवेज स्टिल कर रहे हैं, खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, रॉन्ग है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। प्लीज़ आप कुछ टाइम के लिए चिकन एंड ये सब खाना बिल्कुल काटा कर दीजिए। नेक्स्ट एंड अगेन इंपॉर्टेंट चीज़, छुट्टियाँ हुई हैं, यस स्कूल्स की कॉलेजेस की हर चीज़ की छुट्टी हुई है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग गैदरिंग करके घर में कुछ ना कुछ गेम प्लान करेंगे या कुछ छोटा मोटा गेट टुगेदर कर लेंगे। गाइज मत करना, बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल भी मत करना। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूँगी खाने के बारे में। अब जो खाना हम खा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आटा गूंदने की चीज़ होती है, सुबह आप आटा गूंदते हैं तो पूरे दिन का हमारा चल जाता है। नॉर्मल मम्मा लोग घर पर यही करते हैं, हम लोग भी यही करते हैं। सो गाइज आप जब भी आटा गूंद रहे हैं उसको ताज़ा ही गूंदो और उसी टाइम यूज़ करो। जितनी सब्जी बन रही है उतनी बनाओ जितनी यूज़ हो जाए, उसके बाद उस सब्जी फ्रिज में नहीं जानी चाहिए, अगर फ्रिज में गई है तो खानी नहीं चाहिए। आप बिल्कुल ताज़ा खाना बनाएंगे और ताज़ा ही खाएंगे। फ्रिज का लगा हुआ सामान मत खाइएगा बिल्कुल भी नहीं।
अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है ड्रिंक्स की, इम्यूनिटी ड्रिंक्स. बहुत सारे लोग कहते हैं कि इम्यूनिटी ड्रिंक्स बताओ. क्या मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, वो बेचारे मुझे फ़ोन करके कहते हैं सुमन कोई सोल्यूशन बताना यार, ये कोरोना वायरस मेरे को नहीं होना चाहिए, मेरी सिटी में हो रहा. अरे मेरे पास थोड़ा सा कोई सोल्यूशन आएगा. इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ बता दे यार. इम्यूनिटी हल्दी, आपके कच्ची हल्दी, जिंजर से ही बढ़ेगी. टू बी ऑनेस्ट, ऑरेंज के जूस, आप फ्रेश ऑरेंज के जूस पियोगे अगर, चुकंदर का जूस पियोगे अगर, आपकी इम्यूनिटी इसी से ही बढ़ेगी. सो गाइज, मेक श्योर आप फ्रेश ऑरेंज का घर पे निकाल के जूस पियो, उसके अंदर बेसिल सीड्स डाल के आप पियोगे तो इट विल हेल्प. नेक्स्ट, जितने मम्मा लोग पापा लोग हैं, दादा दादी, जितने भी हमारे एल्डर्स हैं, जितने हमारे पास बच्चे हैं, छोटे बच्चे, ये ज़्यादातर उनको लग रही है, कृपया करके उनको समझाइए, गाइड कीजिए, बाहर मत निकालिए उनको, बिल्कुल भी बाहर मत निकालिए. आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड एंड रिलेट दिस थिंग कि मेरे पापा जो हैं वो बैठते ही नहीं है घर पे. हम डांट खा चुके हैं सारे 3-4 बार, बट घर पे नहीं बैठेंगे. तो उनको पकड़ के घर पे बिठाओ कि आपको कुछ हो गया तो हम लोग हिल जाएंगे. सो मेक श्योर कि आपके पेरेंट्स, आपके बड़े बुजुर्ग, घर पे छोटे बच्चे अगर हैं तो उनको बाहर मत जाने दीजिए, बिल्कुल बाहर मत जाने दीजिएगा. नेक्स्ट एंड द इम्पॉर्टेंट चीज, इस टाइम पे वेट लॉस कैसे होगा. मेरे काफ़ी क्लाइंट्स बोलते हैं अरे इस टाइम पे वेट लॉस कैसे होगा, कैसे नहीं होगा. दिस इज़ आई गेस अ बेस्ट टाइम फॉर वेट लॉस, बिकॉज आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी, आपको बाहर नहीं जाना, आपकी बॉडी रेस्ट मोड पे होगी, तो तरीके से वेट लॉस होगा इस टाइम पे. सो डीमोटिवेट मत हो. नॉर्मल घर के रोटी सब्जी दाल चावल से भी और फ्रूट्स से भी, नॉर्मली सेब संतरा और पाइनएप्पल पपीते से भी लोग आराम से वेट लॉस कर सकते हैं विदाउट एनी न्यूट्रिशन वैल्यूज को कम किए. सो इसमें कोई हाइपर होने वाली बात नहीं है कि ओहो हो अब तो वेट लॉस हो ही नहीं सकता. आई गेस दिस द बेस्ट टाइम फॉर वेट लॉस बिकॉज आप लोग घर पे होंगे, आपको बाहर जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऑफिस के चक्कर नहीं होंगे, आप लोग रेस्ट मोड पे डाल सकते हो अपनी बॉडी को एंड वेट लॉस कर सकते हो. सो गाइज, अगर यू नो टाइम है तो आप कीजिए अपना वेट लॉस, इसमें कोई पैनिक होने वाली सिचुएशन नहीं है. बचाव ही इस टाइम एक सॉल्यूशन है जो हम लोग आपस में मिलके कर सकते हैं. सो पैनिक नहीं होना अपने ना, अपने साथ मिलके चलना है, साथ मिलके लड़ाई करनी है इस कोरोना वायरस से, जब तक कि मार्केट में इसका वैक्सीन लाइक इंजेक्शन नहीं आ जाता, या फिर जब तक इसका एक सॉल्यूशन मार्केट में नहीं आ जाता. एंड या दैट्स इट. एंड प्लीज़ अवेयर करो, खुद भी अवेयर रहो, सबको अवेयर करो. जहाँ पे गैदरिंग दिखती है वहाँ पे जाके रोको कि 4 बंदे इकट्ठे खड़े हैं यार, यहाँ से अलग अलग हो जाओ, इकट्ठे होके मत खड़ो. कोई भी पार्लर्स वगैरह कोई भी विजिटिंग ना करे, ना मैनीक्योर ना पेडिक्योर, ना ही कोई भी हेयर स्पा या कुछ भी चीज़ों के लिए, जो है आप घर पे रहो. वॉश योर हेयर्स डेली, डेली का डेली वॉश करो. एंड या जो वर्कआउट का सिचुएशन है घर पे कर लो, और अकेले करना, ग्रुप में वर्कआउट मत करना. सो या दैट्स इट अबाउट द कोरोना वायरस. एंड आई नो एवरीबडी इज लाइक पैनिक, इट्स रियली अ हेल्थ पैनिक सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस. एंड मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जिस तरीके से गिराव आया है इकॉनमी को, खड़े होने में दोबारा एटलीस्ट 5 to 6 years लग जाएंगे. रिसेशन बहुत ज़्यादा आने वाला है मार्केट में, बिकॉज मेरा काम पे भी बहुत इफेक्ट हो गया है, रिक्रूटमेंट्स के काम पे. आई फील बैड, बट या टाइम है, कल मेरे साथ नहीं हुआ है, हम सबके बिजनेस सबके चीज़ों पे इफेक्ट आया है. सो बट या थकना नहीं है, हारना नहीं है, चीज़ें कहीं ना कहीं तो सॉल्यूशन निकलेगा, हम सब लोग सेम सिचुएशन में हैं. सो या दैट्स इट गाइस. सो होप ये वीडियो एक यूजफुल रहेगा आप लोगों के लिए. एंड बी सेफ, घर से बाहर मत निकलिए. If any emergency, tabhi step out, otherwise ghar pe rahiye. So yeah, that's it guys. So I hope this video is useful for you. So yeah, that's it. I'll see you soon in my next upcoming video. Tab tak dhyan rakhiyega. Take care ji. Bye bye.